नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं ओ मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज। मैं इसमें आया हूँ पूर्वी दिशाना वार्ड नंबर 24। ये वार्ड नंबर 24 है। आपको मैं बता दूँ, ये मकान जो आप देख रहे हैं, जैसे ये शुक्ला परिवार है, इनका कहना है कि अभी इनके जो बाबा लोगों ने किसी प्रकार का कोई हिस्सा बांटने, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो तीन भाई थे, तीन भाइयों पर ये प्रॉपर्टी आनी थी और अभी तक भाइयों में भी कोई बंटवारा नहीं हुआ है। मतलब अभी इनके पिता बाबा के दौरान जो होना था वो पिताजी पे थे, पिताजी के तीन भाई थे। अब इनकी पूरी कहानी क्या है, क्या था पूरा मामला? मामला ये है कि इस प्रॉपर्टी में तीन पार्टियों का हिस्सा होने के बावजूद हम अपना बगल में दूसरा मकान पिताजी ने जब बना लिया तो इसमें ही हम लोगों का सबका जन्म हुआ। ये प्रॉपर्टी लीगल तौर पर हमारी है जी। जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, ये ठीक ना, इन डॉक्यूमेंट अभी आपको बता दें, फर्जी ढंग से इसको एक बैडा में जमीन हुआ करती थी जी। उसको बेचने के साथ साथ में हमारी ही एक पार्टी जो तीन भाइयों में थी, बड़ी पार्टी की बहू का लड़का फर्जी ढंग से पावर ऑफ अटर्नी लेकर इसको फर्जी ढंग से बनामा आशीष कुमार गुप्ता के नाम किया है। क्या आशीष गुप्ता के पास वो पड़ोसी है? अच्छा, आशीष गुप्ता पर इसके डॉक्यूमेंट है जिसने की, अगर आप तीन भाई लोग हैं हाँ। और आप भाई ही लोग लिख सकते हैं हाँ। तो क्या इसमें कुछ लिखा पड़ी उनके पास है? कोई लिखा पड़ी उनके पास, हमको तो उन्होंने कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि हमारा क्योंकि आपको बता दे अभी ये जो इनके पास कागज जो हैं वो इनके तो बाबा लोगों पर ही हैं, अभी तो भी इन लोगों के पास जगह नहीं आई। अब मैं आपको थोड़ा इस सच्चाई को दिखाना चाहता हूँ। 1956 मकान पे किसी प्रकार के कोई आशीष गुप्ता कब्जा करना चाहते हैं, इनका कहना है यहाँ पर इन्होंने ताला लगवाया था पुराना, ठीक पुराना ताला तोड़ के आप देख सकते हैं ताला टूटा हुआ है और इसको नए वेडिंग से बना के और नया स्टैंड लगा के एक अपना खुद का ताला लगाएगा। जैसे आप देख रहे हैं माता जी आपके तो पति नगर पालिका में थे हाँ हाँ। क्योंकि नगर पालिका में होंगे और नगर पालिका के सारे नियम जानते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके भी अगर आशीष गुप्ता ने कब्जा वब्जा किया होगा, लिखा पढ़ी, तो नगर पालिका तो पूरा आपका साथ ही देगी, बिल्कुल बिल्कुल। और पूरी सच्चाई समझ में हाँ, अभी तक आपके प्रॉपर्टी जो है इनके बाबा के नाम पर है, ठीक है हाँ। अभी तो इन लोगों पर आई नहीं, तो ये कैसे आशीष गुप्ता ने खरीदी? ये लोग ये खाली हम लोगों को परेशान करता है और कुछ नहीं, ये सोचता है कि हम इसको दबा लें और ये तो मरी जाएंगी कब्जा कर लें, और कोई खास बात नहीं है। इसने कहा एक दिन हमारी लड़की से कि तुझे हम उठवा लेंगे, अब यही हम कर, ये गुंडा माफिया गुंडा है, बस बदमाश है गुंडा। अब ये हम इनकी गुंडाई देखेंगे कि क्या क्या तुम गुंडाई करते हो। आपको बता दूं इनके जो हस्बैंड हैं वो नगर पालिका में जॉब करते थे जनवरी, और अब उनका देहांत हो गया। इनके भाई, इनके जो लड़के हैं वो तीन हैं, अभी तीनों लड़कों में इस जगह को लेकर कोई भी हिस्सा बांटने, क्योंकि अभी ये बाबा पर ही चल रही जगह है। अगर बाबा पर चल रही है तो लड़के ने लिखा पढ़ी कही है, पैसा दिया, क्या है ये मामला जाएगा कोर्ट में, और क्या बता रहे हैं आप? ऐसा है, ये लिखा पढ़ी के अनुसार नगर पालिका में पिताजी के नाम दर्ज है। अच्छा अच्छा, पिताजी के नाम, तीनों भाइयों के नाम दर्ज होने के साथ साथ जी। ये फर्जी तौर पर जी। ये षड्यंत्र रचा गया, इसमें हमारे खानदान के और भी लोग शामिल हैं जिनका नाम बताना हमको तो, चूंकि प्रकरण जब कागज खोला जाएगा जिसके भी नाम आएंगे उसको सबको पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि उनको पकड़ा जाए, उनको जेल में डाला जाए और हमारा न्यायपूर्ण तरीके से। अभी जगह किसके नाम चल रही है? अभी हमारे पिताजी के नाम है, बाबा का है, बाबा ने बैनामा किया है पिताजी के नाम जी। पिताजी ने किसी को किया नहीं अभी पिताजी ने कहा, हम लोगों ने अभी किसी भी मकान का अभी हमने अपने नाम चढ़वाया ही नहीं। देखिए ये पूर्वी दिशा का मामला है, आपको बता दें यहाँ पर किसने अपना कब्जा करने की पूरी तरह से योजना बनाई है, जहाँ पर योगी सरकार
माफियों पर भू माफियों पर कदम उठा रहे, वहीं पर आज गोला का ये मामला बहुत सरगना। क्या माता जी बता रही हैं आप? ये भी रख रखा है। अच्छा, देखिए इसने पूरी तरह से कब्जा में, इस बंदे ने कहीं पर से अपना दिमाग नहीं छोड़ा, इसने ठेला भी रख दिया। आप देखिए अभी तक इसका कोई बंटवारा भी नहीं है। और क्या बता दो? और मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि कम से कम न्यायपूर्ण तरीके से इस प्रकरण को निपटाया जाए, हमको हमारा हक मिले और फर्जी लोग जेल में जाएं। जी। और जी, आप क्या बताना चाहते हैं? हम यही बताना चाहते हैं, आपके तो हस्बैंड ने नगर पालिका की काफी सर्विस की और काफी नगर पालिका के रूप और रेखा को बारे में जानते होंगे कि कैसे नगर पालिका में कागज कैसे बांटते हैं। वो कहते हैं चाची हम आखिरी साथ देंगे आपका, और ऐसा है चाचा ने कुछ नहीं किया, हमेशा एक पैसा वो भी नहीं लिया रिश्वत, और इसमें दाखिल खारिज नहीं है, अभी झूठ बोल रहा है। हमारी समस्त प्रॉपर्टी और भी है, जिसमें एक मकान और सामने है, जिसमें ममता शुक्ला के नाम से हमारी बड़ी भाभी चचेरी वो रहती है, उसमें भी हमारा हिस्सा है, और उसके बगल में प्लाट था उसमें भी हिस्सा था। चूंकि हमको कोई हिस्सा नहीं मिला, बल्कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है चारों, जब से पिताजी खत्म हुए हैं। इसमें कितने ताले लोगों ने जब आपका भी पड़ा है ताला? हमारा ताला पड़ा था, लेकिन हमारा ताला गायब कर दिया, ऊपर से आशीष ने इसमें ताला डाला, उसके बाद कुंडी तोड़कर दूसरा कुंडी जो तोड़ी वो आशीष ने तोड़ी है। हाँ, अपनी कुंडी डाल के अपने, आप ये भी देख सकते हैं थोड़ा, इसको नया बनाया गया सिस्टम है, इसको तोड़ के इनको अपना हमारा पूरी तरह से कब्जा किया जा रहा। मेरी पेशकश थी पूर्वी दिश थाना का, जो पुराना मकान पर पड़ोस के लोग इस पर कब्जा कर रहे हुए हैं। नरेंद्र कुमार जय हिंद।